हेलो शिक्षक अभ्यर्थियों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट यहां पर निकल कर आ रही है। जैसा कि देख सकते हैं क्या लिखा गया है, आवश्यक सूचना, शिक्षा विभाग बिहार से प्रारंभ अधियाचना के आलोक में विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन संख्या 26/2023 से रिक्त पदों की कुल संख्या 50,263 को विज्ञापन संख्या 27/2023 में समाहित कर दिनांक 10/11/2023 को सूचना प्रकाशित की गई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 तारीख को हम सभी को सूचना मिली थी कि जो 50,263 सीट है वो टीआरई फेस टू में जोड़े जा चुके हैं, बट वहां पे ये भी लिखा गया था कि जो ये सूचना है वो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांग के लिए है, तो तभी तक जो है दिव्यांग के लिए वैलिड था। अब देखिए क्या लिखा गया है, उक्त सूचना के नोट में अंकित टिप्पणी, अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति केवल दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए उपलब्ध है, ऐसा लिखा गया था, को विलोपित किया जाता है। मतलब इसको विलोपित किया जाता है, कहने का मतलब इसको वापस ले आता है, इसको हटा दिया जाता है। अब ये सिर्फ दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अवेलेबल नहीं है, अब ये जो सीटें हैं सभी के लिए अवेलेबल है। तो जो 1-5 में 9400 कुछ सीटें थी, अब उसमें जो भी लोग हैं, जितने भी एलिजिबल लोग हैं, सभी के सभी उसमें फिल कर सकते हैं फॉर्म, और अब सभी के सभी एलिजिबल है। खैर यहाँ पे 6-8 के लिए एक और चीज लिखा गया है, साथ शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 2041 दिनांक 11/11/2023 के आलोक में वर्ग 6-8 तक के विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता में संशोधन किया गया, जिसे आयोग के वेबसाइट इतना पर आप जाकर देख सकते हैं। ये जाकर आप देख सकते हैं और देखिए लिखा गया दिनांक 4/11/2023 एवं 10/11/2023 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या 27/2023 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। अब जितना भी मतलब ये 4 तारीख और 10 तारीख को जो भी विज्ञापन पोस्ट कराया गया उसमें जितना भी चीज़ लिखा गया वो सभी वैसे ही रहेगी, बट यहाँ पे जो सबसे बड़ा चेंज हमें देखने को मिलता है वो कि ये जो है अब सभी के लिए अवेलेबल है। देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए जो उपलब्ध था उसको विलोपित किया जाता है, उसको वापस लिया जाता है। मतलब अब जो है इसमें सभी अभ्यर्थी एलिजिबल है, चाहे वो जनरल से हो, ओबीसी से हो, बीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, फर्क नहीं पड़ता है, वो वहाँ पे अब जो है सभी के सभी इसके लिए एलिजिबल है। तो अब सभी लोग अपना जाकर यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे बड़ी है कि 1-5 में जो 9400 कुछ सीटें थी उसमें अब सभी लोग एलिजिबल हो, और जाइए फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए। ऑल द बेस्ट।